क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने ये समझ गया समझे उससे 99% क्वांटिटेटिव समझ गया, सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर कर दें, डन। वर्ड आर सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट, हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट का मतलब रिलेशनशिप है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब रिलेशनशिप नहीं है, क्लियर। सिग्निफिकेंट मतलब रिलेशनशिप है, इनसिग्निफिकेंट मतलब रिलेशनशिप नहीं है, इसको सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा रिलेशनशिप है या नहीं है, कैसे? अब इसमें आसान कर, नहीं, इसको पुराने साइड लेते थे, रिपीट करते हैं। माने कि आपने डॉक्टर बनना था और आपको मैंने कहा कि थर्मामीटर का थ्रेशहोल्ड ये है, ब्लड प्रेशर का थ्रेशहोल्ड ये है, मुझे आपको तमाम मशीन सिखानी पड़ेंगी। मैंने एक ऐसी मशीन बना दी कि आपको दुनिया की कोई मशीन सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा एक काम करें, इस मशीन में अगर ग्रीन आ गया तो बीमारी नहीं है, रेड आ गया तो बीमारी है, आसान कर दिया काम। अब आपको एक पेशेंट आया कोविड का, आपने बस देखा मशीन ग्रीन दिखा रही है, या क्या मुझे आपको सिखाने की नीड पड़ेगी कि नोज के अंदर कैसे टेस्ट करना है? डन, तो सारा काम उस मशीन ने कर दिया, आप सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, ग्रीन और रेड। बीमारी होने का मतलब है सिग्निफिकेंट, बीमारी ना होने का मतलब है इनसिग्निफिकेंट, यही मतलब है ना। बीमारी होने का मतलब है सिग्निफिकेंट है, बीमारी नहीं होने का मतलब है डन। यही काम हमें सॉफ्टवेयर ने कर दिया। अगर हमने सब कुछ मैनुअल ही सीखना होता, अगर हमने सारे फॉर्मूला ही सीखने होते, क्या फायदा सॉफ्टवेयर का? तो मैंने मशीन के साथ क्या किया, मैंने मशीन को कहा कि जब बॉडी टेम्परेचर 98 हो तो ग्रीन दिखाओ, 101 हो तो रेड हो, तो मैंने सारे के सारे क्राइटेरिया उसके अंदर फिट कर दिए, बोले ताकि आपको सब कुछ याद करने की नीड। यही काम मैंने सॉफ्टवेयर में किया, आपने जो रट्टा मारा हो ना सिग वैल्यू 0.05, वो यही था, क्या बात समझ रहे हैं? अब मैनुअल हमें याद करना पड़ता है, एफ की वैल्यू 1.9664 होगी तो ये होगा, एफ की वैल्यू 3.84 होगी तो ये होगा, इन तमाम को मैंने एडजस्ट कर दिया। अब आपने सिर्फ एक ग्रीन रेड याद करना है, एक होता है सिग वैल्यू, जो होता है पी वैल्यू, पी मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है 0 to 1, 0 से कम नहीं आएगी 1 से, आपने सुना होगा सिग वैल्यू 0 से कम नहीं आती 1 से, कुछ सॉफ्टवेयर में पी वैल्यू के नाम से आएगा, कुछ सॉफ्टवेयर में सिग वैल्यू के नाम से आएगा, कुछ में क्रिटिकल वैल्यू के नाम से आएगा, तमाम बातें एक ही बात है, उसका थ्रेशोल्ड याद कर ले। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब क्या है, सलमान साहब आप पास किस पे होंगे, 60 पे, मैंने कहा एफ का थ्रेशोल्ड करना 60, मतलब 60 से कम है तो फेल, 60 से ज्यादा तो यही मतलब है ना, बिलो 60 फेल, अबव 60 पास। ए का क्या है, ए प्लस का 96, 96 से ज्यादा ए प्लस, 96 से कम, समझ गया ना, ए क्या क्या 89, इस तरह क्या है थ्रेशोल्ड है ना। आप मैंने आपसे पूछा बॉडी टेम्परेचर थ्रेशोल्ड क्या, आपने 98 तक नॉर्मल है, 100 के 100 का बीमार हो जाएगा, डन। आपने जब भी कोई मेडिकल की रिपोर्ट उठाई होगी ना तो उसने आपको लोअर इंटरवल अपर इंटरवल दिया होता है, यहाँ तक नॉर्मल है, उसके बाद नॉर्मल, आसान जबान में वो बताता है कहाँ तक इनसिग्निफिकेंट है, कहाँ पे जाकर सिग्निफिकेंट हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो इनसिग्निफिकेंट है, ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये बात समझ पा गए? तो ये सारे के सारे थ्रेशोल्ड मैंने 0.05 पे फिट कर दिए। पहले समझते हैं सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट होता है क्या, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं, 15 मिनट आएगी, क्वेश्चन 15 मिनट कवर कर लें। अक्सर ऐसा होगा लाखों का करोड़ों का डिफरेंस होगा और हम कहेंगे दोनों एक जैसे हैं, दोनों क्यों, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट होगा। क्या मतलब इनसिग्निफिकेंट का मतलब है आप उस चीज को मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दें, क्या कर दें, तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई बाय जीरो होगी तो क्या बन जाएगी, और सिग्निफिकेंट का मतलब है उसको मल्टीप्लाई बाय वन कर दें तो वो वही रहेगा, ये बस। इनसिग्निफिकेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब सुनते रहेगा, सलमान साहब की इनकम है 80,000, इस्माइल साहब की इनकम है 50,000, अभी लाइन सुनेगा, इन दोनों की इनकम का जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो क्या है इनसिग्निफिकेंट। जी ताहिरा, इस्माइल साहब और सलमान साहब में ज्यादा कौन कमाता है? जी नहीं, बराबर है, दोनों का डिफरेंस कितना है, रुके रुके कितने पैसों का अमाउंट पता है, जीरो, डिफरेंस को मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, जीरो से किया, तो डिफरेंस जीरो हो गया, जब दोनों का डिफरेंस जीरो है तो दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब ये है, ये जो आप पढ़ते हैं ना μ1, म्यू वन और म्यू टू में हमेशा फर्क होता है, म्यू कभी भी ऐसा नहीं होता कि म्यू वन और म्यू टू में फर्क
तो आप क्यों बोलते हैं म्यू वन इक्वल टू म्यू टू है? जी तायरा बताएं क्यों बोलते हैं आप? बोले नहीं, क्यों? वही जो मीन डिफरेंस आया है ना, जो ये मीन डिफरेंस आया है ये इनसिग्निफिकेंट आ गया। क्या आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेल की इनकम है 42,000, फीमेल की इनकम है 49,000। ठीक है, तो आपने पढ़ा था ना एक्स वन बार वन माइनस एक्स बार टू, ये सब याद है आपको? ये कितना आ गया मीन डिफरेंस? बोले 7,000। कितना आ गया? 7,000 आ गया, 42 माइनस 49। अब सारा टेस्ट इस बात पे डिपेंड कर रहा है क्या ये मीन डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या ये लग बैस है। फिर आप इसको स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे, याद आया? फिर आप बेल शेप डायग्राम बनाते थे, फिर आप देख, आपने रट्टा मारा था प्लेन एरिया में आएगा तो नल एक्सेप्ट होगा। जानते क्यों? प्लेन एरिया में आने का मतलब नल एक्सेप्ट, मतलब इनसिग्निफिकेंट आ गया। ये रट्टे याद आ रहे? आपने रट्टा मारा था शेडेड एरिया होगा, याद है? बना के दिखाऊंगा आपको दोबारा से। ये देखें, आप लोग ये डायग्राम बनाते थे और आप कहते थे प्लेन एरिया में आएगा तो नल एक्सेप्ट होगा, शेडेड एरिया में आएगा तो नल रिजेक्ट होगा। नल एक्सेप्ट होने का मतलब है इनसिग्निफिकेंट आ गया, डिफरेंस नहीं आया। तभी तो आप कहते हैं कि डिफरेंस जीरो है, दोनों बराबर है। अभी हम नल ऑल्टरनेटिव पढ़ के आ रहे हैं ना, नल क्या कहता था? डिफरेंस नहीं है, तो जो भी डिफरेंस था उसने उसको किसके बराबर कर दिया? जीरो के बराबर कर दिया। इसकी लॉजिक समझाता हूँ कैसा क्यों कह रहे हैं। पहले ये बात समझे कि जो भी डिफरेंस आएगा अगर वो इनसिग्निफिकेंट हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे? जीरो, चाहे लाखों का डॉलर। अब आगे सुनेगा, बेनिश की इनकम है 1 लाख, टायरा की इनकम है 95,000। कितने का डिफरेंस है? 5,000। और मैंने कहा डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। हाँ, अब किसी ने पूछो कौन ज्यादा कमाता है? मैं तो बेनिश ज्यादा कमाते हैं। कितने से? 5,000 से। अब सामना करेंगे, ये क्या मजाक चल रहा है? जहां पे 30,000 का डिफरेंस था वो दोनों बराबर हो गए, और जहां पे 5,000 का डिफरेंस है उसमें ज्यादा कम हो गया। यही तो सारी साइंस है, यही तो सब समझते हैं। क्लियर हो गई? सिग्निफिकेंट से क्लियर हो गया। तो जो चीज इनसिग्निफिकेंट होगी हम उसको मान, उसकी एग्जिस्टेंस से ही मुकर जाएंगे, कहेंगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिर्फ वो चीज एग्जिस्ट कर रही है जो कि सिग्निफिकेंट है। अब बिजनेस का सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी से आंसर दें। सैंपल होता है हमारे पास, तो सैंपल में जो ज्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन ज्यादा वेरिएशन होता भी एक रीजन है। एग्जाम्पल से कर लेते हैं, रियल लाइफ की एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। कुकिंग आती है आपको? फ्रेंच फ्राइज बना लेती हैं, ठीक है? 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं, पता ना आपको? आपका स्टार क्या है? आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था आज आपको फायदा होगा। क्या किलो क्या आ रहा है? 80 रुपीज़ केजी आ रहे हैं। आलू क्या किलो आ रहे हैं? 80 रुपीज़ केजी। आप 80 रुपये लेके गए आलू में दर्जन डाल सकते के, सही है? आप आलू लेने गई, आपने 80 रुपये दिए, कितने ग्राम आलू देगा वो? 1,000 ना, 1,000 ग्राम देगा ना 1 केजी। उसी पे आ रहा हूँ। अब आपने सुबह अखबार में पढ़ा था आज के दिन आपको फायदा होगा, और आपका बिलीव भी बहुत था स्टार्स के ऊपर। जब वो आलू तोल रहा था, जब वो एक आलू उठाता है 200 ग्राम कम हो जाता है, 800 ग्राम हो जाता है। जब वो आलू वापिस रखता है 30 ग्राम ऊपर हो जाता है, 1,030 ग्राम, वो क्या करेगा? रख देगा। अब आप खुश, आपने कहा अखबार में सही लिखा हुआ था, आज के दिन फायदा हो गया। 1,000 ग्राम के पैसे में कितना मिल गया? 1,030 ग्राम। आप मैरिड हैं? नहीं है? आप मैरिड नहीं है? आप अपने घर गई, आपने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी कैश निकालो, आपने जो जो मेरा सोना खरीदना आज ही खरीद लो, मैंने अखबार में पढ़ा आज के दिन मुझे क्या होगा? आपने अम्मी का 10 लाख रुपए लिया, ज्वेलर की शॉप पे चली गई, वहां पे आपने 2 तोले सोना लिया। अब आप ज्वेलर से कहते हैं सुबह मैंने 80 रुपए की शॉपिंग की, उसने 30 ग्राम एक्स्ट्रा दिया। तुम कितने बेशर्म आदमी हो, तुम 3 ग्राम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, देगा? अब समझाएं, 30 बड़ा 3 बड़ा। अब जूलर ने अगर स्टेट्स पढ़ी होगी ना तो कहे बीबी सब्जी वाले के लिए 30 ग्राम इनसिग्निफिकेंट है, मेरे लिए 2 ग्राम भी। आप कहते ये छोड़ो,
30 बड़ा 2 बड़ा हो गई बेबी, उसको गेट हो रहा। अब उसने आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया, गुस्सा आएगा आपको, गुस्सा आपको, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया 130 आया, आपने कहा भाई वेंटिलेटर स्टार्ट करो, ब्लड प्रेशर मेरा 130 पे आ गया, वेंटिलेटर स्टार्ट करो, इमरजेंसी का केस है। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ है, उसने आपने कहा ब्लड प्रेशर बढ़ गया 130, क्या हो गया भाई 5-10 पड़ा, 120 तो नॉर्मल होता है। उसने कहा बेबी 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हॉस्पिटल क्यों आई हैं, 120 होता आपका 125 हो गया है, 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर जाए। आपने कहा पक्का, कहते हाँ। अब आप दिया दिया वर्ड सुन के इनसिग्निफिकेंट, तो आपने कहा अच्छा 5 इनसिग्निफिकेंट होता है। उसने कहा हाँ, घर आने की, हॉस्पिटल आने की नीड नहीं थी, घर जाए। सही है, आप घर चले गए, गए गए फिर आपके घर वालों की कॉल आई, डॉक्टर को कहते घर पे है हमारी बच्ची मरने वाली, हॉस्पिटल नहीं आती। हॉस्पिटल से वो डॉक्टर घर आया, उसने कहा बेबी आप इतनी सख्त बीमार हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं आती। आपने कहा भाई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 98, मैं तो 103 तक पहुंची हूँ, आपने बोला था 5 से कोई पता पता मैं क्यों आऊँ, डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा बीबी ब्लड प्रेशर में 5 का डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है, बॉडी टेम्परेचर में 2 का डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट है। तो टेक्निकली जब आप मेडिकल की रिपोर्ट उठाते हैं ना, वो आपको इनसिग्निफिकेंट की रेंज दे रहा है, ये सारी रेंज हम स्टेटिस्टिशियन ने बनाई है। आप जब भी आप विटामिन डी का टेस्ट करवाए आपने, उसमें देखा था यहाँ यहाँ तक नॉर्मल है, वो रेंज दे रहा है कि ये इनसिग्निफिकेंट की रेंज है। ये जो बेल शेप डायग्राम बनाई है देखें, वो यही डायग्राम बना रहा है, वो भी टेक्निकली ये वाली, वो कहता है भाई साहब यहाँ यहाँ तक नॉर्मल है, इसको क्रॉस करोगे तो गड़बड़ होगी। वो हर टेस्ट का अलग है, यही तो हमने डिसाइड करना है कहाँ तक इनसिग्निफिकेंट है कहाँ तक सिग्निफिकेंट है। क्लियर हो गया। मार्कर, आपने मार्कर देखा है, मार्कर का जो कैप है ना, माने ये बेकरी में जॉब करते हैं और ये केक बनाते हैं, और सलमान साहब मार्कर की शॉप पे काम करते हैं, और सलमान साहब कहते हैं यार तेरा सेठ बहुत अच्छा है, कहते क्यों, कहते देख तूने केक 3-4 इंच से छोटा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अगर मार्कर का कैप बनाता हूँ ना 1 मिलीमीटर भी छोटा कर देता हूँ ना, वो डांटता है, वो भाई सही डांटता है, वो अगर 1 मिलीमीटर भी बड़ा हुआ तो बार बार लूज होकर गिरेगा, 1 मिलीमीटर भी छोटा हो गया तो बंद नहीं होगा, तो उनका सिग्निफिकेंट 1 मिलीमीटर पे चल रहा है, ये बेकरी में केक बना रहा है, ये 3-4 सेंटीमीटर भी बड़ा छोटा कर दे तो कोई फर्क। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह डिसाइड होगा कि कितना सिग्निफिकेंट कहना है, कितना सिग्निफिकेंट और करते हैं, माने कि आपने से कोई वेट रिड्यूस कर रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं कह रहे, मानो इन्होंने जिम में एडमिशन ले लिया, इलियास साहब ने, इनका वेट है 80 के, कितना वेट है मान ले 80 KG है, इन्होंने 40 हजार पे किए, क्यों वेट का इसमें क्या जो नहीं, जो हो रहा है जो है वो शो भी हो रहा है खाते उसमें। पीते घर सॉरी के। अच्छा क्लास, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस, नहीं, देखें उसकी वजह जानते क्या, देखें समझे, अगर मुझे ये सलमान साहब, मैं समझाता हूँ, अगर मुझे सलमान साहब को बिल्कुल फेवर देनी है ना, तो मुझे सलमान साहब की एग्जाम्पल, सलमान साहब को याद आएगा मुझसे ये बात की गई थी, उसका ये हक था, जब क्लास 40-45 की होती है ना, तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता है ये, क्योंकि हर बच्चे को एंगेज रखना, तो उसको याद आता है कि भाई मेरे ऊपर ये एग्जाम्पल रखेगी तो इसका कंसेप्ट ये था, जिसको अपने फेवर नहीं देनी ना, उससे कुछ ना पूछो, उसको आप साइड पे कर दें, जैसे वो क्लास में इनसिग्निफिकेंट कर दें, वही नहीं, सही है। तो स्टार्ट करते हैं, माने इनका वेट है 80 KG, डन, इन्होंने जिम में एडमिशन लिया, 50 हजार रुपये थे, उन्हें कम वेट कम करेंगे, अब इनका वेट हो गया 79, शोर मचाएंगे, करेंगे आगे चले, माने साइमा यहाँ पे जॉब करी CBM में, मैं HOD हूँ, इनकी सैलरी है 1,20,000, इन्होंने एप्लीकेशन डाली मेरी सैलरी बढ़ाओ, मैंने कह दिया 1,20,000 20 रुपीज, 20 रुपये बढ़ा दिए, अब ये हर ऑफिस में जाके मेरी बुराई करी, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, मैंने कहा ऑफिस में झूठ क्यों बोल रही, बुराई तो है, तो कहेंगे सर कहाँ बढ़ाई है, 20 रुपये बढ़ाई तो है, तो ये उसको मान रही है, इनके लिए वो, तो मैं वो बीबी अपनी एप्लीकेशन से दोबारा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट, लिखा कहीं आपने, ये अभी आप लोग लॉ में नहीं है ना, आपको एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, तो मैं बीबी जब आप अगली दफा एप्लीकेशन लिखो ना, तो मेंशन करना कि इंक्रीमेंट क्या हो, सिग्निफिकेंट हो, दिखे, पता चले कुछ हुआ है, इतना ना हो कि पता ही ना चले कुछ हुआ है। इस तरह के इंस्ट्रक्टर ने कहा सर आपका वेट पहले 80 किलो था, अब 79.2 हो गया, कम तो हुआ है, कहेंगे भाई साहब पागल हो गए हो, 6 महीने लगा के 1 लाख रुपए लेके तुमने 800 ग्राम वेट कम किया है, अब ये हर किसी से कहेंगे मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, सही कह रही गलत कह रही है, बड़ी तो है,
लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई पर जीरो किया है ना, क्यों किया है? तो जो भी चीज इनसिग्निफिकेंट होती है आप उसको मल्टीप्लाई पर जीरो कर देते हैं। हदीस में तो आपको लाखों एग्जाम्पल मिलेगी ना, अल्लाह ने तमाम अमाल उसके जाया कर दिए, मल्टीप्लाई पर जीरो कर दिए, ये सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट, सुना है आपने? तो लाखों एग्जाम्पल आपको सिग्निफिकेंट से मिल जाएगी, तो मल्टीप्लाई जीरो कर दिया जाता है, उसका होना ना होना। अच्छा मतलब इसमें बहुत कुछ मैटर करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैटर करता है, एन मैटर करता है, स्टैंडर्ड एरर मैटर करता है, लाखों चीजें मैटर करती है। अब ये सारी चीजें हम स्टैट्स में पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। अब आप लोग सॉफ्टवेयर पे हैं, मैं अब ये समझाने बैठ जाऊंगा तो 3 घंटे में इसमें निकलेंगे कि लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है। मेरा पर्पज वो नहीं है, इन तमाम चक्रों में ना पढ़ना पड़े, तभी तो हम सिग वैल्यू देख रहे हैं, ताकि सारा काम खुद ब खुद हो जाए। अगर आपको मैनुअल सीखने का शौक है तो मैंने इन सब पे भी वीडियोस बनाई हुई है, आपसे शेयर कर दूंगा। इंटरवल्स क्या होती है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, सब कुछ कैसे कैलकुलेट, सब पीछे की लॉजिक क्या होती है, ये क्लियर हो गया? सिग्निफिकेंस भी क्लियर हो गया। हर फील्ड में अलग डिसाइड होगा। माने कि मैंने ऑयल लिया बाल बढ़ाने के लिए, अब मेरे बाल बढ़े, मेरी अपनी डेफिनेशन होगी सिग्निफिकेंट की, कितने बाल बढ़ जाएंगे तो मैं उसको सिग्निफिकेंट, कितना वेट कम होगा तो मैं उसको सिग्निफिकेंट मानूंगा, यही तो डिसाइड करना है। ये जो भी डिफरेंस है इसको सिग्निफिकेंट कहना है या स्टार्ट करते हैं शुरू से। इनकी सैलरी 120 है, 125 हो गई, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया 128, झगड़ा हो जाएगा ना। स्टेट हमें एग्जैक्ट बता देगा, लिमिट बना देगा कि 132,800 तक इनसिग्निफिकेंट है, कि इससे कम करोगे तो मैं मानूंगा ये सैलरी बड़ी है, इसको क्रॉस करोगे तो फिर मैं मानूंगा, यही तो सारी साइंस है। तो ये बहस हम इसलिए कर रहे हैं, अक्सर करोड़ों का फर्क होगा, तो हम कहेंगे कोई फर्क सर तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन पॉइंट है हम से एक वैल्यू देख के डिसाइड कर लेंगे, क्लियर है? भाई तो स्टैटिस्टिशियन की तो फील्ड ही है, हमने तो डिसाइड ही ये करना है। जिस रेड फ्लैग सुना होगा, रेड फ्लैग क्या है? कैसे डिसाइड? आप तो रिलेशनशिप में वर्ड यूज करते हैं ये वाला, हम लोग आप लोन लेने आए बैंक में, मैं कैसे डिसाइड करूँ इसे डिफॉल्ट करना नहीं करना, किस लिमिट में आके डिसाइड करूंगा, बताऊंगा इंटरवल कि इसको यहाँ तक गिरेगा तो डिफॉल्ट नहीं गिरेगा, डिफॉल्ट हो जाएगा ये बंदा, ये बात समझे? आप सबसे आसान कर ले मेडिकल की रिपोर्ट, हर मेडिकल की रिपोर्ट में आपको मिलेगा, वो जो लिमिट दी होती है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल के, जो अंदर की लिमिट है वो इनसिग्निफिकेंट की, इसके अंदर अंदर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये होता है, आप कहते हैं भाई मुझे सब कुछ बोले ना नहीं सीखना, ना मुझे स्टेट सीखना, ना टी कुछ नहीं सीखना, मुझे ग्रीन लाइट रेड लाइट करके दो, ऐसी तैसी ग्रीन लाइट रेड लाइट दो, मुझे बता दे सिग्निफिकेंट है या, वही हम पढ़ रहे थे। दुनिया का कोई भी टेस्ट रन करते हैं सॉफ्टवेयर आपको सिग वैल्यू देगा, क्या देगा बोले? वो सिग वैल्यू आई 0.02, कुछ भी आ सकती है, 0.4 आ सकती है, 1.1 आ सकती है, बोले क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रेंज 0 to 1 अभी हमने पढ़ी, 0 से कम नहीं आएगी, 1 से 1 होती है मिनिमम 0, ऑप्शन नहीं आएगा, 0.2 आ गई, 0. अब आपने सिर्फ जिंदगी में एक वैल्यू याद करनी है, 0.05, 5% याद हो गया, 5% मतलब था 5 डिवाइड बाय 100, 0.05 हो गया, 0.02 0.5 से बड़ी है छोटी है? अब ये देखें, एक वैल्यू 0.02 0.05 से कम है, इसका मतलब क्या है? देखें देखें लिखा हुआ है नल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ये सारी बातें एक ही बात है। अगर चलो हम शुरू से एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब देखते हैं पढ़े लिखे बंदे अनपढ़ में क्या फर्क होगा। आपने देखा फीस कम करेंगे एडमिशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एचओडी और फैकल्टी का झगड़ा हो रहा है, एचओडी कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैकल्टी के लिए फर्क पड़ेगा। पूरी रिसर्च के सॉफ्टवेयर में सिग वैल्यू हो गया 0.08, 0.08। अब डिस्कशन सुनिएगा, इस्माइल साहब ने कहा यार नल एक्सेप्ट हो गया, क्यों कहा? 0.0 तो बड़ी है ना। दूसरा क्या कहेगा, यार ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो गया। तीसरा कहेगा रिलेशनशिप नहीं है, चौथा का इसका मतलब फीस बढ़ेगी तो एडमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें उसको समझ में आ रही है सिर्फ एक 0.08 को देख के, ये बात समझ गए? तो ये आपकी ग्रीन लाइट और रेड लाइट है, डन हो गया। तो आपने सब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने सिग वैल्यू देखनी है, डन, और उसके बेस पर डिसाइड करना रिलेशनशिप लगेगा या। लेकिन पॉइंट टेस्ट आपने सही ऑपरेट, मतलब जहाँ पे कोरिलेशन लगाना था वहां पे आपने कायद कॉल लगा दिया, जहाँ पे कायद कॉल लगाना था वहां पे रिग्रेशन लगा दिया, और सॉफ्टवेयर मासूम है उसको कुछ नहीं पता। अब ये देखें स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नल, वही बात, बीमारी क्या है, बुखार चेक करना है,
उसके बाद थर्मोमीटर, याद है ये चार स्टेप पढ़े थे। फिर हम टूल डिसाइड करेंगे कौन सा टूल, इस टूल में हमने टूल डिसाइड किया इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का टूल यूज होगा। फिर हम कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करेंगे, आपने 95 डिसाइड किया तो 0.05 बन गया। ये पता है ना कॉन्फिडेंस, ये पता है कॉन्फिडेंस लेवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये पता है, ये भी एक्सप्लेन करूँ, ये 0.05 क्यों है, क्योंकि कॉन्फिडेंस 95% है। अगर कॉन्फिडेंस 90% हो जाए तो सिग वैल्यू 0.10 पे आ जाएगी, और अगर कॉन्फिडेंस 99 पे हो तो 0.01 पे आ जाएगी, ये रिमेनिंग पार्ट पे होता है। डन, उसके बाद आउटपुट देखेंगे हम, डन हो गया तो दुनिया का कोई भी टेस्ट रन करेंगे एंड में आपके पास क्या आ जाएगी, सिग वैल्यू। अब जानते हैं हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे, समझाता हूँ। माने तारा पीएचडी में है और उनके सुपरवाइजर है माने डॉक्टर शुजाद है। अभी इनकी कॉल मुझे आई, इन्होंने मुझसे कहा सर मुझे वर्किंग की बात कर लेते हैं, मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा, इस बेस के ऊपर कि उसका डेब्ट इनकम रेशियो क्या है, इस बेस के ऊपर उसका क्रेडिट डेब्ट रेशियो क्या है, इस बेस के ऊपर वो मैरिड है या सिंगल है। ये इन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन में समझाई, मेरा डेटा ये है, क्रॉस सेक्शनल है, इतने के पूरी सिनेरियो सुनने के बाद मैंने इनको बताया कि भाई आप प्रॉफिट लगा दें, बाइनरी लॉजिक लगा दें, खत्म। तो पहले ऐसा मुफ्ती इनको एक मॉडल बता दी, जैसे ही लॉजिक रन करेंगे ना एंड में एक सिग वैल्यू आ जाएगी, डन, वो बता देगी इनका रिलेशनशिप है भी या, तो इनको आती थी, इन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दी। मजे की बात ये लॉजिक की जगह ये लीनियर इक्वेशन फिट करती तब भी सिग वैल्यू आती। तो सबसे मेन चीज क्या है, हाँ आप कुछ भी रन करेंगे सिग वैल्यू तो आएगी, अगर आपने मॉडल ही गलत रन कर दिया तो उसकी कोई इंटरप्रिटेशन की कोई सेंस नहीं बनती। तो मेन चीज है आपने सामने वाले से पूछना कि इसमें क्या फिट होना चाहिए, वो फिट करवाएगा, और बाकी सारा काम किसने कर दिया, सॉफ्टवेयर ने, एंड में वो क्या दे देगा, सिग वैल्यू, इसकी बेस आप डिसाइड कर लेंगे। अच्छा मजे की बात इसमें कुछ और चीजें भी है, सिग वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता रहेगा, सिग वैल्यू जितनी बढ़, ये पता है आपको, माने ए और बी में रिलेशनशिप है, सिग वैल्यू आगे 0.04, 0.04 से कम है, ए और सी की सिग वैल्यू 0.03, ज्यादा स्ट्रांग कौन है, ये 0.03 है, जितना 0 से कम होता रहेगा उतना स्ट्रांग, सॉरी जितना 0.5 से कम होगा उतना स्ट्रांग, जितना 0.5 से बड़ा होगा उतना इनसिग्निफिकेंट होगा, जितना 0.0 बड़ा होगा तो इनसिग्निफिकेंट होगा ना। जैसे मैंने आपसे पूछा ज्यादा इनसिग्निफिकेंट किसके साथ है, किसके साथ दूर दूर तक रिलेशनशिप नहीं है, वापस आते फेसबुक के ऊपर, सलमान साहब ने लिखा था मेरा नल, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस है मैं नल एक्सेप्ट करता हूँ। अब आपने कहा लोगों ने रिसर्च में से पढ़ी होगी, लोग समझेंगे नल ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, मजीद पढ़ा लिखा क्या कहता है, मेरी सिग वैल्यू ग्रेटर दैन 0.05 है, अगर मैं फेसबुक के स्टेटस पे ये लिख दूँ रिलेशनशिप स्टेटस में जाके कि मेरी सिग वैल्यू ग्रेटर दैन 0.05 है, इसका मतलब क्या है, नहीं है नल एक्सेप्ट हो रहा है ना, सिग वैल्यू जब ग्रेटर दैन 0.05 है तो नल एक्सेप्ट हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा मेरी सिग वैल्यू है 0.3 तो क्या मतलब रिलेशनशिप है, नहीं है बीबी, नहीं है, 0.3 30% होता है, 0.3 जी, तारा बीबी ने लिखा मेरी सिग वैल्यू 0.99999, क्या मतलब है नल एक्सेप्ट, मतलब 0.99 लिखने का मतलब क्या था, शदीद सिंगल है, बिल्कुल दूर दूर तक रिलेशनशिप नहीं है, सही है, इस्माइल साहब ने वन लिख दी पूरी वन, सही है, डन हो गया। तो पॉइंट ये है आप पढ़ा लिखा आदमी से कम्युनिकेट कर सकते, वो ट्रेनिंग वाली बात करते हैं। अब इन्होंने कहा बॉस के सामने बोलूंगा नल एक्सेप्ट हो गया तो बॉस तो समझ जाएगा, तो आपने कहा मैम ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, सिग वैल्यू माशाल्लाह 0.08 आई है, तो आपने कहा समझ जाएगा अच्छा 0.08 आई है मतलब ग्रेटर देन 0.05 आई है मतलब नल एक्सेप्ट हो गया, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया ट्रेनिंग का, फिर ये बात समझ में आए। मैंने कहा जो एचओडी ने इसकी बड़ी आपको स्पीच दी है तो असर पड़ा, आपने आप जी माशाल्लाह सिग वैल्यू 1 आई है, मतलब हमने कोई असर नहीं लिया, तो हम सिर्फ सिग वैल्यू बता के बता सकते हैं कि फर्क पड़ा या फर्क, तो हमारे यहाँ ये नल ऑल्टरनेटिव नहीं चलता, हमारे यहाँ ये चलता है सिग वैल्यू क्या ही है, ठीक। ये आपको 95 की लॉजिक पता है, ये भी नहीं पता, ये भी समझा दूँ कि 95 कहाँ से आया सोशल साइंस के अंदर, ये सुना है 95%, ये कहाँ से आया क्यों आया इसकी लॉजिक क्या थी, क्यों आया कॉन्फिडेंस में 95 का मतलब क्या है, कैसे होंगे। अच्छा पहले तो एक और बात समझिए, एक्यूरेसी डिफरेंट चीज है कंसिस्टेंसी डिफरेंट चीज है, ये बात समझ रहे हैं, एक्यूरेसी डिफरेंट चीज है कंसिस्टेंसी डिफरेंट चीज है, कॉन्फिडेंस लेवल का ताल्लुक कंसिस्टेंसी से है,
लोग अच्छा एक्यूरेसी से एक्सप्लेन 95% करेक्ट है, करेक्टनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी का ताल्लुक कंसिस्टेंसी से है। अगर आपके क्वेश्चन की रिलायबिलिटी 0.8 0.9 आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ये भी आपका क्वेश्चन ठीक है, मतलब आप जो गलती कर रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हैं। कंसिस्टेंट अच्छी बात है, बुरी बात है? ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। सुनिएगा, इनका ग्रेड है ए फिर बी फिर सी फिर डी, कंसिस्टेंट है नहीं है, नहीं है ना। इनका एफ 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 कौन अच्छा था? तो आप कहेंगे बिना एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी किस काम की मेरे भाई, बिना रिलायबिलिटी किस काम की? तो कंसिस्टेंसी तब चाहिए जब पहले लेवल पे एक्यूरेट हो। मानेंगे पहले गेट में ए आ गया, अब आप इनसे क्या चाहेंगे? हर दफा क्रिकेट खेले, हर दफा क्रिकेट कोई बंदा खेल रहा है, पहली बॉल वाइड कर दी, कैप्टन क्या बोला, कंसिस्टेंट है, सारी वाइड करा, पहली बॉल अच्छी हो गई। अब चाहे कंसिस्टेंट है, सारी बॉल अब अच्छी कराए। इसी तरह अगर इंडियन मूवीज में आपने देखा हो ना, तो जब जाते हैं कोई बंदा चाय बना के दिखाता है, चाय अच्छी लगती है, तो क्या बोलते हैं, बेटा पूरी लाइफ ऐसी चाय बनाओगे? तो पहली अच्छी होनी चाहिए ना, अगर पहली फजूल होगी तो कोई ये थोड़ी ना चाहेगा पूरी लाइफ ऐसे ही बनाओ। तो बिना एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी किसी काम की नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। माने आपने क्वेश्चन गलत बनाया, वो हमेशा गलत भेजा कर रहा है। आपकी लाइबिलिटी आगे 0.95, हमारे यहाँ बच्चे खुश हो रहे, मेरी लाइबिलिटी 0.95 आ गई, और मेरे भाई आप हर दफा गलत भेज रहे हो। रिलायबिलिटी ये शो करे कि जो भी कर रहे हो, चाहे सही कर रहे हो चाहे कंसिस्टेंट बेसिस पर कर रहे हो। हमारे यहाँ तो मेजोरिटी का यही कंसेप्ट है, कौन सा गलत इतना आ गया, कम होते जो रिलायबिलिटी इतनी आ गई। तो भाई साहब ये कंसिस्टेंसी शो करेगी, ये शो कंसिस्टेंसी डिफरेंट चीज है। इसका ताल्लुक फिर 6 सिग्मा 12 सिग्मा सब चीजों से होता है। इसका भी अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल होता है क्या है, मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, पावर क्या होता है, ये सारी डिफरेंट चीजें हैं। ये सिग्निफिकेंस का मतलब क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई सिग्निफिकेंस में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ये चीज है, ये दो लाइन याद करना, ठीक है? ये दो लाइन इतने याद कर लेना, तो समझिए इसका पूरा कोर्स, क्योंकि इसी बेस पे हम डिसाइड करते हैं रिलेशनशिप आया रिलेशनशिप नहीं आया, रिलेशनशिप आया रिलेशनशिप नहीं आया, डन। अब इश्यू ये